I gave you my heart. Hello and Namaste. Myself Jasmine Parida, Taekwondo International Gold Medalist, National Referee and Self Defense Coach. Today in this video, I will show you some tips. I will tell you some techniques about self defense. As we all know, girls are facing many problems related to this. So I think all girls, all women should learn some techniques to defend themselves. So now I will show you some body parts where we can beat and release ourselves very easily. हमको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होता है कि जो कि बहुत डेलिकेट प्लेस होता है जहां हम कम एफर्ट देके भी पेनफुल पेन क्रिएट कर सकते हैं और वहां से रिलीज कर सकते हैं खुद को. जैसे कि फ्रॉम हेड टू टो आई विल शो यू सम पार्ट्स. सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फेस, इन आवर फेस एवरी पार्ट लाइक आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी डेलिकेट प्लेस एज वी ऑल नो. अगर हम कम एफर्ट देके भी पंच करेंगे या फिर हमारे पाम में पुश करेंगे नोज़ को या फिर आईज़ को अगर करेंगे तो वो बहुत पेन क्रिएट करता है आगे वाले को जो कि हमको अटैक कर रहा है. तो वहाँ से हम बहुत जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू आवर नेक पोजिशन, हियर इज़ द नेक बोन, वेर इज़ दिस this side and this side, these two places are very delicate because हमारा उधर एक छोटा सा बहुत पतला सा बोन गया है जो कि बहुत पतला होता है. तो अगर हम जोर से या फिर कम एफर्ट मारेंगे तो इधर बहुत पेन क्रिएट होता है एक ह्यूमन बॉडी में. उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू आवर बैक ऑफ आवर ईयर्स, अगर हम देखेंगे इधर जैसे कि ये पार्ट बहुत ही डेलिकेट होता है, जैसे कि वो एक सेंसिबल जो सेंसिटिव प्लेस होता है. जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं अगर हम इधर एक हीरो ने मार दिया तो विलन गिर जाता है, क्योंकि इधर हमारा एक वैक्यूम प्लेस है जहाँ कि हम अटैक करते हैं तो सेंस चला जाता है एक आदमी का. तो इसीलिए ये वाला बहुत ही डेलिकेट प्लेस होता है जो कि हमारा चिन बोन और ईयर के बीचों बीच आता है जो पॉइंट, वो वाला जो कि वैक्यूम प्लेस होता है. उसके बाद कमिंग टू आवर नेक, नेक लाइन तो बोल दिया मैंने. उसके बाद कमिंग टू आवर नेक वेयर द थ्रोट इज गोन, द थ्रोट पाइप जो फूड पाइप होता है जो गया है उधर एक वैक्यूम क्रिएट होता है हमारे कॉलर बोन और नेक के बीच में. वो जो कॉलर बोन क्रिएट हुआ है वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है जो कि बहुत ही डेलिकेट प्लेस होता है. अगर हम कम फोर्स में भी मारेंगे उधर एक ह्यूमन बॉडी स्टेबिलिटी खो देता है अपना. तो उसके बाद कमिंग टू आवर कॉलर बोन जो कि हमारा ये वाला बोन होता है, हर ह्यूमन में वो बोन बहुत ही पतला होता है जो कि हम एक बार अगर फोर्सफुली उधर मारेंगे तो वो टूट जाता है. तो एक आदमी से हम एक इंसान से हम वहाँ से छूट पाते हैं इजीली, वेरी इजीली. उसके बाद कमिंग टू आवर चेस्ट पोजिशन, एज वी नो एज गर्ल्स एक ह्यूमन बॉडी का चेस्ट पोजिशन बहुत ही डेलिकेट प्लेस होता है, एक सेंसिटिव प्लेस होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर वो हमेशा जेनरेट होता है, वो हमेशा काम पर लगता है. वो हार्ट का काम हो या फिर लंग्स का काम हो या फिर किडनी का काम हो, तो हमारा जो रिब पोजिशन उसको सपोर्ट करता है, वो इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है. तो वो रिब को अगर हम जोर से फोर्सफुली मारेंगे तो वो वाला बहुत इफेक्टिव होता है. उसके बाद कमिंग टू आवर सोलर प्लेक्सस में जब हमारा रिब इधर ख़त्म होता है तो एक वैक्यूम प्लेस होता है जो कि स्टोमक और चेस्ट के मिडल में होता है. ये जो वैक्यूम क्रिएट है, ये जो वैक्यूम प्लेस होता है वो बहुत डेलिकेट प्लेस होता है. वो एक एयर प्रोड्यूस होता है, वहाँ एक एयर होता है जो कि हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम एंड ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है. तो अगर वहाँ हम एक बार पंच करें जो कि हम अगर अभी भी देखेंगे, आप अगर देखेंगे इधर प्रेस करके खुद भी देखोगे तो वो बहुत पेनफुल होता है. अगर प्रेस करने से नॉर्मल प्रेस करने से इतना पेनफुल होता है तो अगर हम उधर फोर्सफुली मारेंगे, हमारा जितना भी फोर्स है बॉडी का अगर वहाँ हम लगा देंगे तो कितना पावरफुल होगा. तो उसके बाद मैं आऊँगी
हमारे सोलर प्लेक्सस लाइट अपर एप्स को, अपर एप्स जो होता है इधर बहुत हमारा जो एंड होता है रिब का एंड होता है, रिब बोन का जो एंड होता है वो वाला बहुत ही फोर्सफुल और बहुत ही लाइट होता है, जहाँ कि हम अगर हाथ भी मारेंगे, अगर हम अपने फिंगर्स में प्रेस भी करेंगे वो बहुत पेनफुल होता है। तो अगर वहाँ हम पंच करेंगे जैसे कि एज सेम टू एज द वैक्यूम प्रेस ओवर हियर, सो दैट इज़ वेरी 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 डेलिकेट प्लेस। आफ्टर दैट आई विल कम टू द लोअर बेली और लोअर एब्स, विच वी से लोअर एब्स। उधर भी हम अगर देखेंगे उधर एक प्लेस होता है जो कि स्टोमक और अपने एब्डोमन के बीचों बीच होता है, जो कि बहुत ही डेलिकेट प्लेस होता है, जहाँ हम कम एफर्ट लगा के भी पेन क्रिएट कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। उसके बाद कमिंग टू आवर मेन पार्ट विच वी कॉल एज द अब्डोमन, अब्डोमन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट और वी कैन से इट इज़ वेरी सेंसिबल सेंसिबल पार्ट वेयर वी कैन अटैक एंड गेट रीड ऑफ द अटैक्स। आफ्टर दैट आई विल कम टू ऑल जॉइंट्स। एज वी नो एल्बो joints are there, knee joints are there, shoulder joints are there. These joints are all about like this. For example, the knee is like this. We can bend like the leg is bent like this. We can't bend from upper side. So here, if we hit over here at the back of the knee, then it will create a suction that will create a pain over here, or we can break through it. हमारा knee टूट सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सीडेंट्स होता है या फिर कुछ ऑपरेशन सर्जरी जैसे होता है, डॉक्टर बोलते हैं HCL, PCL, वो सब जो होता है वो वही होता है, लिगामेंट टियर जो होता है ये ही होता है कि हम अगर फोर्सफुली हमारे पीछे मारेंगे, पीछे अगर मारेंगे या फिर आगे मारेंगे, जो भी होता है ये बोन टूट जाता है। कैसे? ऐसे टूटेगा, नहीं तो ऐसे टूटेगा। तो सारे बोन हमारे जो जॉइंट्स पार्ट हैं, जैसे कि नी हो गया, एल्बो हो गया, आर्म्स हो गया, उसके बाद शोल्डर हो गया, सबका एक पॉइंट होता है जहाँ कि हम उतना ही रेज कर सकते हैं, उतना ही मरोड़ सकते हैं। अगर वहाँ से थोड़ा लेवल अप करके हम अटैक करेंगे तो वो वाला प्लेस बहुत ही पेनफुल होता है और टूट जाता है, जो कि इंसान को बहुत पेन देता है। और एक अगर कोई अटैक करेगा आपको, वहाँ से आप अच्छे से बहुत जल्दी इजीली छूट सकते हैं। उसके बाद कमिंग टू आवर नी, देन आई विल गो टू द नियर थाइज। द नियर थाइज इज दिस वन, इनसाइड थाई विच वी कॉल, दिस इज़ वेरी डेलिकेट प्लेस बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू आवर एब्डोमिनल एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव प्लेस वेयर वी कैन पंच और किक एंड ईजीली वी कैन गेट रिमूव फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट आई विल कम टू माई एंकल्स। इफ वी सी द एंकल्स, एंकल्स बहुत डेलिकेट प्लेस होता है, क्योंकि एंकल्स का जो जॉइंट होता है बहुत सॉफ्ट बोन से होता है, जो कि हम चलने में हमको यूजफुल होता है। पर अगर आप वहाँ भी आप जोर से अटैक करेंगे तो आप बहुत जल्दी से वहाँ से निकल पाओगे। देन कमिंग टू द फिंगर्स ऑफ आवर टोज, टू आवर फीट्स, द टोज आर ऑल्सो सो डेलिकेट प्लेस विच इज़ वेरी यूजफुल टू अटैक एंड रिलीज योर सेल्फ। सो दिस आर सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच इज़ वेरी डेलिकेट प्लेस, सेंसिटिव प्लेस, एंड वी ऑल शुड नो ऑल दिस पॉइंट्स सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड डिफेंड आवर सेल्फ। सो एवरी गर्ल शुड लर्न अबाउट सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ, क्योंकि हमारे लिए हमेशा हमारे घर के लोग नहीं होते, इसीलिए हम सबको सब कुछ सीखना चाहिए, टेक्निक्स सीखना चाहिए और प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं हर एक लड़की को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ गो एंड लर्न सेल्फ डिफेंस। थैंक यू।